क्या बोल रही हो वीसी, ऐसा कुछ नहीं है, समझाना। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके? नो नो मीरा, आई एम सो सॉरी। लगता है तुम लोग अभी भी कंफ्यूजन वाली स्टेज में हो। व्हाट डू यू मीन? कम ऑन, बाहु में पड़ी एक खूबसूरत सी सेक्सी सी मॉडल को छोड़ के बीच शॉट में कभी तुम्हारी तरफ दौड़ कर आ गया, पूरे यूनिट के सामने तुम्हें हग कर लिया। दिस इज नॉट जस्ट फ्रेंडशिप डार्लिंग। फालतू बकवास नहीं है वीसी। ओके, यू वांट मी टू बिलीव कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है? हाँ। मीरा, इज दिस वन साइडेड? डू यू नॉट लाइक कबीर? हाँ? कबीर, आई एम लीविंग। किधर? अब मैं तुझे सीधा ऑफिस में मिलूंगी। यार मेरी बात तो सुन लो। गुड लक। यार तू मीरा। ओप्स। मीरा। ये क्या कह दिया तुमने वीसी उसको? यार ऐसा कोई चक्कर नहीं हम लोगों का। भाभी की कसम। और हाँ, मैं भाभी की कभी भी झूठी कसम नहीं खाता हूँ। ओ, मुझे ऐसा लगा। I'm sorry. मीरा। प्यार नहीं है? हो जाएगा। I know. मुड़ा में इतना अच्छा लगा कि हम मना नहीं कर पाए। इसीलिए तो भेजा था ना दिल्ली, ताकि तुझे देख ले। अरे कैसी भलाई मम्मी, क्या करे? क्या तू जिंदगी भर ऐसे विधवा बनी जीना चाहती है? आज 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 पुत्र, ये देख, ये है तेरा घर। आजा मेरा बच्चा। इन्होंने हमारे गुनीत जी को भोला समझकर मोहरा बनाकर छल किया है हमारे साथ। एक युवराज ने आकर सबकी जिंदगी में तूफान मचा दिया। भाभी, कुछ हुआ है क्या? मतलब सब अपने अपने कमरे में बंद है। कुलजीत अंकल भी घर चले गए, उनका भी मूड ठीक नहीं लग रहा था। कुछ तो हुआ है भाभी, अब बताइए ना प्लीज। कुछ नहीं सोनी, वो पापा थक गए थे बस। नहीं भाभी, कुछ तो बात है जो आप सब लोग मुझसे छुपा रहे हो। बताओ ना भाभी, क्या बात है? अरे मेरी सोनी, इतना टेंशन क्यों ले रही है तू? अब बड़ों की बातें है ना, हमें क्या। तू बता, मम्मी जी ने कुछ खाया क्या? मामा तो तब से अपने कमरे में बंद है। और वो कुलजीत अंकल से भी मिलने क्यों नहीं आए? अरे वो तो उनके सर में दर्द था ना, इसलिए। तू छड़ना ये सब, तू बता तू कहाँ थी? भाभी के लिए दौड़े जा रहे थे। नहीं वो मैं अंश के लिए उसे मिलना चाह रहा था। भाभी, मैं थोड़ी देर अंश को ऊपर ले जाऊं। अंश को किस लिए? अब वो प्रीतम अंश से मिलना चाह रहा था। अच्छा, तो अब प्रीतम साहब को मेरे अंश की याद आ गई। उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। अब क्या हुआ? अरे बिना बताए चला आया लुधियाने से। कह देना उनसे अंश को देखना है ना, नीचे आके मिल ले। भाभी वो तो आ ही रहा था, लेकिन चल कहां सकता है ठीक से। अभी इसी चक्कर में वो गिर गया। क्या? उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हालत खराब है मतलब? आपको नहीं पता, उसका एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पे। क्या? ट्रक से टक्कर हो गई थी। लेकिन कब, कैसे हुआ ये सब? लुधियाना से आते वक्त बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है वो बेचारा। लेकिन मेरी बात तो हुई थी कल रात में। अच्छा, आपको बताया नहीं उसने कुछ भी? कुछ तो हुआ है, इसीलिए जल्दी आई होंगी। मिल लेता हूं, परेशान होंगे। हाँ। आ। 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 आ।
चेहरे पर तो 12 बजे में मैडम जासूस बहुत सुनाएंगी, चुप ही नहीं होंगे, बोलती चली जाएंगी। वो तो कर चुके, हाथ हटाइए अपना। बाप रे, कितनी चोट लगी है। और एक मिनट, एक्सीडेंट कल रात को हुआ, उसके बाद हमारी बात भी हुई और आपने मुझे बताया भी नहीं। जाने दीजिए, अब आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करूं मैं। आपसे तो इतना भी नहीं हुआ कि लुधियाना से निकलते वक्त मुझे एक बार मिलकर जाए। और क्या कहा डॉक्टर ने, अंदर से कुछ टूटा फूटा है क्या? नहीं, वो देखिए बड़ा अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं चला। हाँ हाँ, अर्जेंट काम तो सिर्फ आप ही को रहता है, आपकी नजरों में हम सब तो वेले ही बैठे हैं ना। और आप काम क्या करते हैं? आप पुलिस ऑफिसर हैं या फिर आप खुद मुजरिम है जो पुलिस आपके पीछे भागती फिरती है? मैं मुजरिम लगता हूँ आपको? एक्सीडेंट हुआ कैसे, ट्रक ने आपको ठोक दिया या आपने ट्रक को ठोकने की कोशिश की थी? नहीं, वो देखिए मैं आपसे मिल के आना चाहता था, मैंने आपके बारे में पता भी किया, लेकिन वो आप सो गई थी। हाँ, जैसे मैं तो कभी उठती ही नहीं। एक्सरे वैक्सरे करवाया कि नहीं? नहीं, सब ठीक है, ये बस घुटना। अरे, एक्सीडेंट के वक्त आपका ध्यान कहाँ था? अच्छा हुआ वो तो जाते वक्त मैंने चलाई थी गड्डी, वरना मैं भी कहीं लेटी होती हूँ हॉस्पिटल में। मतलब मैं गाड़ी नहीं चला सकता? हाँ हाँ, रिजल्ट तो देख ही रही हूँ मैं। ये सूरत देखिए आप अपनी, क्या हालत बना रखी है आपने, शराब वराब पी रखी थी क्या? और आपका क्या है, आपका कुछ नहीं जाएगा, सेवा में तो हम ही लगे रहेंगे ना आपके। दादाजी कहते रहेंगे कि अरे पुत्र प्रीतम जी के लिए फ्रूट भिजवाओ, पापा जी कहेंगे अरे प्रीतम पुत्र को खाना चाहिए कि नहीं, उसे फ्रूट चाहिए क्या? और बीजी तो लगी ही रहती है, और अंगद कबीर तो वैसे ही आपकी सेवा में पड़े, कि क्या इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कोई। ओ हेलो, आपसे बात कर रही हूँ मैं जी। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे जी? जी वो नजर सही नहीं थी आपकी, नजर ठीक नहीं थी आपकी जी। जी हाँ, मैं यहाँ आपके दुख में शरीक होने आई हूँ और आप है कि। अरे तो आप चिल्लाने लगी ना मुझ पे, आप क्यों चिल्ला रही है? ये कोई तरीका किसी से बात करने का? मैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और आप जो है आप होती कौन है मेरे पर इस तरह चिल्लाने वाली? अच्छा हाँ, और क्या, मुझे कोई मदद थोड़ी चाहिए आपकी, मैंने किसी से कोई मदद मांगी? ये फ्रूट्स रखे हैं ये भी आप ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। और ये दादाजी और बीजी से कहिएगा कि मुझसे दूर रहे, और ये कबीर और अंगद इनको भी यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ क्या है? अरे ये जब से आई है तब से रोप झाड़ रही है, और मैं हूँ क्या इनका, इनको लेकर जाइए। ओ हेलो, टोन देखिए अपना, वैसे ही दिमाग खराब है मेरा। तो आप अपना टोन ठीक करिए, और आप मुझे एक बात बताइए, कोई जानबूझकर एक्सीडेंट करता है क्या? आप बताइए कमली जी। नहीं जी। और ये इनको देखिए, एक बीमार आदमी का हाल चाल पूछने के बजाय ये डांटे जा रही है, गार्डियन बनी हुई है। ओह, तुम्हारा हाल चाल ही पूछने आई थी, और ये जानबूझकर हुआ हो ये गलती से, पर ये हाथ पैर तुड़वा कर और ये सर फुटवा कर बैठे हो ना। हाँ तो ये मेरा फूटा है ना, आप लोगों से क्या मतलब, आप प्लीज जाइए। रहने दे कमली, इस आदमी से बहस करना ही बेकार है, चलो तुम दोनों। ओए सोनी चल ना, ये जनाब डिजर्व ही नहीं करते हमारी केयर, अब आप खुद ही ख्याल रख लो अपना। हाँ ठीक है। हो गया सियापा। अरे छोड़ ना यार उस वीसी को, वो पागल है, वो तो खुद ही सबको डार्लिंग बोलती रहती है। यार उसके हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं ना बॉस से बात करूंगी। क्या? ओ यार तू बातें बहुत अच्छी करती है। अरे बॉस तो खुद बिगी बिल्ली बना रहता है उसके सामने। छोड़ ना इधर।
वाह, बड़े मैनर्स आ गए तुझमें तो। अब मैं ऐड कर रहा हूँ ना, थोड़ा तो। बामत का चल बैठ। थैंक यू। तुमने मुझे बताया नहीं दैट यू एंड मीरा आर नॉट जस्ट कलीग्स, यू गाइस आर इन लव। ओए, तो फिर उसके बारे में सोचने लगी? अरे वीसी का खेड़ा छोड़ देना यार, चिल कर। अच्छा बता, क्या पिएगी आज? कबीर सखुजा के पास भी पैसे हैं। जी सर। अरे क्या बात है यार, बहुत बढ़िया माहौल बनाया हुआ है। क्या है आज? सर आज हमारे ओनर की एनिवर्सरी है, सो कपल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 50% ऑफ है सारे आइटम पर, फॉर ओनली कपल्स। क्या बात कर रहे हैं, 50% ऑफ पे? तो ऐसा कर, तो चोको स्मूदी कर दे और एक वेज मीडियम पिज्जा 50% ऑफ पे लेकर आओ जल्दी, हम भी कपल है। मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, हम फुल पेमेंट करेंगे, हम कपल नहीं है। क्या बात कर रही है, हम कपल ही तो है। ए, आज हमसे खफा है सो, तो आप लेकर आइए 50% ऑफ पे। What nonsense is this, कबीर? हम कपल नहीं है, ओके? पता है यार। और वहाँ वीसी कहने पे तू मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है क्या? नहीं ना, तो फिर यहाँ पे भी क्या फर्क पड़ता है मीरा, 50% ऑफ मिल रहा। फर्क पड़ता है कबीर, तुझे नहीं मुझे फर्क पड़ता है। सॉरी यार मीरा, वो 50% बचाने के चक्कर में मैंने उसको बोल दिया था, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं पूरी पेमेंट कर दूंगा। अरे तू जाने देना, तू वीसी की बात से ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है कबीर, तुझे जरूरत क्या थी उस मॉडल को छोड़ के मेरे पास भागने की? अरे यार मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया एकदम से, तुझे इतने दिनों बाद देखा तो दिल हैप्पी हैप्पी सा हो गया था यार। तुझे बहुत मिस कर रहा था यार मैं, माफी कसम। तेरी मर गए। अब क्या हुआ? हांगन। नो नो, आई एम अराउंड यार, जैसे ही मिस्टर मेहता आएंगे मुझे बोलना, आई विल जॉइन। या नीचे छुप जा मीरा, मरवाई नहीं क्या? मैं क्यों छुपू, मैं उस अंकल से डरती नहीं हूँ, ठीक है? अरे यार हमें इस रोमांटिक कैफे में देखेगा ना तो उसको भी लगेगा कि हम लोग कपल है। अब प्यार दोनों कूल, सी यू। डेट पर आई है, गुड, शी हैज मूव्ड ऑन। ये भी किसी के साथ आया है क्या? ओह, डेट चल रही है इसकी, गुड, शी हैज मूव्ड ऑन। गलत जगह आ गया हूँ यार। मेरे सामने नहीं रहना चाहता, कहीं और जा रहा है। So sorry यार, I'm so sorry। ओए मीरा, चला गया वो? हाँ चल बाहर आ।
I'm so sorry, यार, so sorry. Thank you. Yeah? अच्छा आ गए वो. Oh, he's there. I'll be right there. I'll be right there. Yeah. क्या बना रहे हो भाभी? सूप? सूप? अभी क्यों बना रहे हो? इस वक्त कौन पिएगा? वो प्रीतम चौधरी. उस अकड़ू के लिए क्यों बना रहे हो? उसने कैसे आज आपको कमरे से बाहर निकाल दिया था ना? आपको गुस्सा नहीं आया क्या? गुस्सा तो इतना आया कि अगर बंदा सही होता ना तो उसके सर पे गमला फोड़ देना था मैंने. पर मैं उसको बीमारी का डिस्काउंट दे रही हूँ. और हम सखूजाज है, हम बूढ़ों के साथ भी अच्छा करते. और हमारी घर की छत के नीचे अगर कोई बीमार पड़ा रहे और हम उसे नजरअंदाज कर दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सखूजाज हैं और हम ऐसे कैसे किसी बीमार को नजरअंदाज कर सकते हैं भाभी? आप ना भाभी, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाई देते हो. ये ले और जा, दे दे उस किराएदार को. हाँ आराम से. भाभी मैं पहुंचा देती हूँ. हाँ एक काम कर, तू ही ले जा. हाँ. वरना वो इंसान सोचेगा कि भेज दिया कमली के हाथ. कहाँ जा रही है? अब वो ऊपर भाभी ने सूप बनाया है. कमली ये तू ले जा, जाके दे आ. सोनी को जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन बीजी सोनी चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? कमली दे आएगी, जा. जा दे आ वरना सूप ठंडा हो जाएगा. कोई नहीं आ रहा है प्रीतम चौधरी, कोई नहीं आएगा. लगता है अमृता जी बहुत नाराज हो गई है. क्या जरूरत थी ऐसे भड़कने की? सुन लेते ना, चुपचाप बोले चले जाते हो. क्या हुआ? तुम्हारी केयर में ही तो बोल रही थी बेचारी. कुछ नहीं हो सकता प्रीतम चौधरी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. कमली जी एक मिनट. कमली जी आपकी अमृता जी क्या मतलब है आपकी भाभी? सूप पी लेना, सेहत के लिए अच्छा है. और एहसान मानना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी तुम्हारा ध्यान रख रही है. जी, वो... जिंदगी आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.